नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और यही कामना करती हूँ कि आप सभी सदैव हंस रहें और मुस्कुराते रहें। दर्शकों, यदि आपने सपने में खुद को गोबर में गिरते हुए देखा है तो हम इस वीडियो में आपको इस सपने का अर्थ, साथ ही साथ आपको एक उपाय बताने वाले हैं जो कि यदि आप यह स्वप्न देखते हैं निश्चित रूप से आपको करना ही चाहिए। दर्शकों, तो आइए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दर्शकों, स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सपने में खुद को गोबर में गिरते हुए देखना एक अशुभ संकेत देने वाला स्वप्न माना जाता है। जी हाँ दर्शकों, यह स्वप्न उतना शुभ संकेत देने वाला स्वप्न नहीं है, क्योंकि सपने में खुद को गोबर में देखना गिरते हुए यह इस बात की ओर इशारा करता है कि आपको किसी प्रकार की हानि हो सकती है। ऐसा सपना इस बात का सूचक होता है कि आपको धन हानि हो सकती है और आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। तो कुल मिला के यदि हम लोग देखें तो सपने में गोबर में गिरना एक अच्छा सपना नहीं है। अगर आप ऐसे सपने देख रहे हैं तो सबसे पहली चीज़, आपको इस सपने को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बताना चाहिए, क्योंकि जो अशुभ सपने होते हैं उनको यदि हम शेयर कर सकते हैं, शेयर करते हैं और बताते हैं किसी को, उनका जो अशुभ परिणाम है वह कम हो जाता है। इसलिए यदि आप ऐसे सपने देख रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप उसे अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से उसे बता सकें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। दूसरे उपाय की यदि मैं बात करूँ तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग के ऊपर जल अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा करने से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं अगर आप यह स्वप्न रात के 12 से 2 बजे के बीच में देखते हैं तो सपने का फल आपको 3 महीने के भीतर प्राप्त हो जाएगा। यही स्वप्न आप 2 से 4 बजे के बीच में देखेंगे तो सपने का फल आपको 1 महीने के भीतर प्राप्त होगा, और यही स्वप्न आप 4 से 6 बजे के बीच में देखते हैं तो सपने का फल आपको 1 हफ्ते के भीतर प्राप्त हो जाएगा। तो दर्शकों, यह थी हमारी जानकारी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। और यदि कमेंट बॉक्स में आप जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखते हैं तो यह और भी जो हमारे वीडियो देखने वाले यूज़र्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वह भी देखेंगे। तो ऐसा करने से भी आपके जो यह सपने हैं कि आपने ये देखा है, ये बहुत लोगों तक पहुँचेगा। तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी सदैव ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर सदैव ही बरसती रहे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिए।